हेलो एवरीवन वेलकम टू लर्न बी एक्स्ट्रा आई एम शिवानी चौहान इस वीडियो में हम क्लास टेंथ साइंस की बुक का चैप्टर सिक्स लाइफ प्रोसेस के इंटेक्सट क्वेश्चंस देखने वाले हैं तो इंटेक्सट क्वेश्चन हम दो पेजेस के कवर कर चुके हैं अब हम लोग देखते हैं पेज नंबर वन हंड्रेड टेन से तो पहला क्वेश्चन है इसका वट आर द कम्पोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स ह्यूमन बंग्स में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो कैसे काम करता है वट आर द फंक्शंस ऑफ दीज कॉम्पोनेट्स और ये जो कॉम्पोनेट्स हैं इनके क्या क्या फंक्शंस हैं तो ब्लड ब्लड वेसल्स एंड हार्ट आर द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग ट्रांसपोर्ट सिस्टम मतलब एक जगह को एक चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना यही तो ट्रांसपोर्ट होता है तो ब्लड हो गया ब्लड ये काम करता है ब्लड वेसल्स की मदद मतलब से और हार्ट ये होते हैं ट्रांसपोर्ट ऑर्गन हमारी बॉडी के द हार्ट पंप्स ब्लड एंड द ब्लड वेसल हेल्प इन द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू आउट द बॉडी तो हार्ट क्या करता है ब्लड को पंप करता है एंड द ब्लड वेसल्स हेल्प इन द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू आउट द बॉडी तो हार्ट जो है ब्लड भेजता है और ब्लड वेसल्स की मदद से यह ब्लड पूरी बॉडी में पहुंच जाता है ब्लड हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट थ्रू आउट द बॉडी ब्लड की वजह से ही ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड न्यूट्रिएंट वेस्ट सब कुछ इधर उधर बॉडी में ट्रेवल करता है द हार्ट पम्प्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी एंड सेंड्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फॉर ऑक्सीजनेशन तो हार्ट जो ऑक्सीजन रिच जिसमें बहुत सारी ऑक्सीजन होती है ऐसा ब्लड पूरी बॉडी को भेजता है और बॉडी से जो बिना ऑक्सीजन वाला या फिर कम ऑक्सीजन वाला जो खराब ब्लड होता है वो उसको सफाई करने के लिए या फिर ऑक्सीजन भरने के लिए भी भेज देता है लंग्स में तो ये काम करता है हार्ट यही होता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट इज वाई इज इट नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन मैमल्स एंड बर्ड्स तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनको अलग करने की या फिर इनको सेपरेट करने की मैमल्स में मैमल्स होते हैं स्तनदारी जीव जो अपने बच्चों को दूध पिला सकते हैं अपने बच्चों को जन्म दे सकते हैं अपने पेट में रखकर के बाद में जैसे कि ह्यूमन्स में होता है तो वो मैमल्स होते हैं मैमल्स और बर्ड्स में ऑक्सीजनेटेड और चाहिए तो आंसर है वॉर्म ब्लडेड एनमल्स एज बर्ड्स एंड मैमल्स है The supply of oxygen in the blood, thereby maintaining the optimum body temperature at all conditions surrounding the organism. तो so, warm-blooded animals होते हैं, जैसे कि birds हो गए, mammals हो गए, उनका एक separate channel होता है, अलग-अलग होते हैं oxygenated और deoxygenated blood के लिए। Such arrangement, इस तरीके का जो arrangement होता है, उसमें supply of oxygen जो होती है ना blood में, वो अच्छी रहती है, body temperature भी maintain रहता है surrounding conditions से हम लोग अच्छे से deal कर पाते हैं। Blood और में, blood में जो है अलग-अलग chambers होते ह ब्लड मिनी हार्ट में हार्ट में अलग अलग चेंबर होते हैं ताकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड और ऑक्सीजन रिच ब्लड मिले ना और ऑक्सीजन रिच ब्लड बॉडी में जो है वो पूरा का पूरा पहुंच जाए और हमारी बॉडी का टेम्पेचर अच्छे से मेंटेन रहे इसलिए ऐसा होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है वट आर द कम्पोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन हायर प्लांट्स हायर प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के क्या क्या कॉम्पोनेट्स होते हैं हाईली ऑर्गेनाइज प्लांट्स है वेस्कुलर टिश्यूज आइलम एंड फ्लायम एज देयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो जयलम फ्लोएम और वस्कुलर टिशू ये होते हैं जयलम फ़ाइबर ट्रांसपोर्ट वाटर अक्रॉस द प्लान एंड फाइलम ट्रांसलोकेट फूड इंटू फूड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट तो जयलम फ़ाइबर क्या करता है वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट में और फ्लोएम क्या करता है फूड को ट्रांसपोर्ट करता है नेक्स्ट है हाउ आर वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स तो वाटर एंड मिनरल्स प्लांट्स में कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं तो जाइलम और जायलोाफ्लूएम की मदद से होते हैं तो वाटर अलॉन्ग विद डिजॉर्व मिनरल्स इज एब्जॉर्ब बाय द रूट फ्रॉम द सॉइल दिस एब्जॉर्बशन थ्रू द रूट हेयर सेल्स अकर थ्रू ऑस्मोसिस तो ऑस्मोसिस के प्रोसेस से क्या होता है जड़ों जड़ें होती हैं जड़ों जड़ों से वाटर और मिनरल्स जो है पूरे के पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट होता है हाउ एवर इट कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल अदर प्लांट पार्ट्स ओनली थ्रू डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस द प्लांट्स हैव वेल डिफाइंड सिस्टम ऑफ कंडक्टिंग ट्यूब्स फॉर ट्रांसपोर्ट एंड दिस सिस्टम इज कॉल्ड वेस्क्यूलर सिस्टम तो ट्रांसपोर्ट के लिए ना काफ़ी अच्छा सा जो है सिस्टम बना हुआ है यही होता है वेस्क्यूलर सिस्टम और इसकी वजह से ही प्लांट में जो है ट्रांसपोर्ट होती हैं सारी की सारी चीज़ें इट कंसिस्ट ऑफ टू टिश्यूज इसमें दो टिश्यूज़ होते हैं जायलम और फ्लोएम जयलम टिश्यू इज़ रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्राम रूट्स टू ऑल अदर प्लांट्स तो जाइलम टिश्यू जो है वो वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है सारे के सारे पार्ट्स में और ये वेल डिफाइंड इसका जो है वस्कुलर सिस्टम होता है वो रूट से ऑस्मोसिस की मदद से और डिफ्यूजन की मदद से जो है सारा का सारा काम हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज़ फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स फूड किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स में द फूड प्रिपेयर्ड इन लीव्स द फूड प्रिपेयर्ड इन लीव्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इज़ स्टोर्ड एज स्टार्च इन द लीव्स तो फ़ूड जो है वो लीव में प्रिपेयर होता है ग्लूकोज की फॉर्म में और स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाता है फ़ूड ग्लूकोज की फॉर्म में बनता है स्टार्च की फॉर्म में लीव्स में जम जाता है या जमा हो जाता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फ़ूड इज़ रिक्वायर्ड फ़ॉर अदर प्लांट सेल्स फॉर यूटिलाइजेशन तो फूड का ट्रांसपोर्ट जो है वो होता है ताकि ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इज़ रिक्वायर्ड फॉर अदर प्लान सेल्स फॉर यूटिलाइजेशन दिस इज कैरीड आउट बाई दुलर टिश्यू फ्लोएम दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीवस टू ऑल प्लान सेल्स थ्रू फ्लोएम इस कॉल ट्रांसलोकेशन तो ये जो प्रोसेस होता है ना फूड के ट्रांसपोर्ट होने का लीव्स से बाकी टू ऑल प्लांट सेल्स थ्रू फ्लोएम इस कॉल ट्रांस लोकेशन तो फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है ग्लूकोज की फॉर्म में बनता है स्टाच की फॉर्म में पत्तियों में जो है स्टोर हो जाता है फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड जो है एक जगह से दूसरी जगह वो होता है फ्लोएम की मदद से वस्कुलर टिश्यू होता है जिसका नाम होता है फ्लोएम तो प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल सेल प्लांट थ्रू फ्लोएम इज कॉल ट्रांसलोकेशन प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन कहते हैं पेज नंबर वन हंड्रेड टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन वेरी इंपॉर्टेंट नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर फंक्शनिंग हम लोगों को बतानी है तो इसका आंसर है नेफ्रॉन आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीस तो नैफ्रॉन जो है वो किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है दे प्योरीफाई द ब्लड एंड प्रोड्यूस यूरिन ये क्या करते हैं ब्लड को प्योरीफाई करते हैं और यूरिन को प्रोड्यूस करते हैं ईच किडनीटली वन टू वन पॉइंट फाइव मिलियन नेफरान हर किडनी में लगभग दो किडनी होती है ना तो हर किडनी में वन पॉइंट फाइव मिलियन तक नेफरन्स होते हैं इनके मेन काम होते हैं जो फॉलोइंग आर द मेन कॉम्पोनेंस ऑफ नेफर नेफरॉन की मेन कॉम्पोनेट्स पहले देख लेते हैं तो ग्लोमेरूल्स बोमिस कैप्सूल लॉन्ग रीनल ट्यूब्यूल इस तरीके से ये स्ट्रक्चर है इसका पूरा का पूरा अब हम इसके फंक्शन देख लेते हैं फंक्शनिंग ऑफ नफ्रॉन ब्लड एंटर्स द किडनी थ्रू रीनल आर्टरी ब्लड जो है वो किडनी में एंटर करता है रीनल आर्टरी की मदद से रीनल आर्टरी फर्दर ब्रांचेज इंटू स्मॉल कैपलरी सराउंडिंग द ग्लो में रूल्स तो ब्लड एंटर करता है किडनी में रीनल आर्टरी की मदद से रीनल आर्ट्री जो है फिर फर्दर जो है वो छोटी छोटी बट जाती है स्मॉलर कैपिलरीज में जो कि ग्लो मेरूल्स को आ, क्या करती है सराउंड करती है वाटर एंड सॉल्यूट्स आर ट्रांसफर्ड इनटू नेफ्रॉन एट द बोमस कैप्सूल तो वाटर और सॉल्यूट्स जो हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं नेफ्रॉन्स में ट्रांसफर नेफ्रॉन में जाते हैं बोमन्स कैप्सूल की मदद से मतलब तो बोमन कैप्सूल पर सब्सटेंस जैसे कि अमीनो एसिड्स ग्लूकोज और सॉल्ट आर सेलेक्टिवली रिटेन इन द प्रोमैक्ल ट्यूब्यूल एंड अदर अनवॉन्टेड मॉलिक्यूल्स आर एक्सपेल्ड इन टू द यून तो क्या होता है अमीरो एसिड्स ग्लूकोज और सॉल्ट वो तो बच जाते हैं और बाकी जो चीज़ें हैं वो सब बाहर निकाल देते हैं यूरिन फदर ऑप्टेंट ऑपटे मोर वाटर एट द लूप ऑफ हैंनल तो हैंनल के रूप पर और ज़्यादा पानी उसको मिलता है यूरिन को यूरिन मूवज इन टू द डिस्टल ट्यूबुलेंड दैन इन टू द कलेक्टिंग डक्ट फिर उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन पहुंचाता है दिस कलेक्टिंग डक्ट कलेक्ट्स यूरिन फ्राम ऑल द नेफ्रॉन्स तो कलेक्टिंग डक्ट में सारे के सारे नेफ्रॉन्स से आ जाता है और तब तक वहाँ पर मतलब रहता है जब तक बॉडी से बाहर रिलीज नहीं हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेथड्स यूज्ड बाय प्लांट्स टू गेट रेड ऑफ एक्स एक्सक्रूटरी प्रोडक्ट्स तो एक्सक्रीटरी यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालने के लिए प्लांट्स क्या क्या करते हैं तो लीव्स हैं सम जैसे कि सूख जाती हैं गिर जाती हैं सम वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर लीव्स लीव लेटर गेट्स रिमूव वेन लीव्स विदर्स ऑफ तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जो है लीव्स में होते हैं और जब लीव विदर ऑफ होती है यानी कि लीव जब पेड़ से नीचे गिर जाती है तो फिर वो रिमूव हो जाता है है ना वेस्ट प्रोडक्ट प्लांट से ट्रांसपरेशन एक्सेस वाटर इन प्लांट्स इज लॉस थ्रू ट्रांसपरेशन तो एक्सेस वाटर जो होता है वो ट्रांसपरेशन की मदद से जैसे हमारे ह्यूमंस में या बाकी चीज़ों में वैपोरेशन होता है ऐसे प्लांट्स में ट्रांसपरेशन होता है वैपोरेशन पसीना जो बाहर निकलता है वैपोरेशन की फॉर्म बहुत होती है बुढ़ जाता है ऐसे प्लांट्स में ट्रांसपरेशन होता है बार्क वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक रेजेंस टेनिन्स गम्स आर स्टोर्ड इन द नॉन फंक्शनल ओल्ड जाइलम और बार्क तो जो बार्क होते हैं ना तने पे और जो गम्स वगैरह होते हैं जैसे दूध वगैरह निकलता है कई सारे रेजन्स निकलते हैं प्लांट्स में से वो उनके वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं रूट्स सम वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट्स आर एक्सक्रेटेड इन टू दॉल रूट्स तो रूट्स की मदद से भी काफ़ी सारे वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो बाहर निकलते हैं वैकुल्स प्लांट्स स्टोर देयर वेस्ट प्रोडक्ट्स इनसाइड द वैकोल तो वैकूल में भी वेस्ट प्रोडक्ट जो है प्लांट्स स्टोर करते हैं ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन थ्री है हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस रेगुलेटेड तो कितना यूरिन बनना चाहिए वो कैसे रेगुलेट होता है बॉडी में तो प्रोडक्शन ऑफ यूरिन डिपेंड्स ऑन द एक्सेस वाटर एंड डिजोल्व वाटर प्रेजेंट इन द बॉडी तो यूरिन कितना एक्स्ट्रा पानी कितना है और डिजॉल्व पानी कितना है बॉडी में इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द हैबिटेट ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म कहाँ रहता है उस पर भी डिपेंड करता है हॉर्मोन्स सच एज एंटी डायूरेटिक हॉर्मोन ए डी एच प्लेज वाइटर रोल इन रेगुलेटिंग द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस तो यूरिन कितना प्रोड्यूस होगा ये एरिया छमून पर भी डिपेंड करता है तो ये हो गए हमारे सारे के सारे क्वेश्चन इंडेक्स क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो गए होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा अच्छा लगा तो लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और फेसबुक साथ शेयर करिए थैंक यू